सीसीपीओ बीए नासिर के हुक्म और डीआईजी ऑपरेशन मोहम्मद वकास नजीर की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ सदर डिवीजन में खुली कचहरी का इनका खुली कचहरी नजीर खोकर पैलेस अयूब चौक जोहर टाउन में कायम पुलिस कैंप में लगाई गई। एसपी सदर अली रजा ने डायरेक्टर एलडीए स्टेट वन के हमरा मसाइल सुने। एसपी सदर का कहना था कि शिकायत वसूली के लिए तमाम थानों में हेल्प डेस्क बराए कब्जा मुतासरीन कायम कर दिए गए हैं। जेंट्स लेडीज सब आए हुए मुख्तलिफ है, मुश्तरक है, कुछ उसमें कब्जे की भी हैं, कुछ बाकी भी शिकायत हैं, तो हम सारी रिसीव कर रहे हैं। एलडीए के ऑफिसर्स भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, रेवेन्यू भी हमारे साथ है, ये सब ऑपरेशन और सीसीपीओ साहब का स्पेशल इसमें इंस्ट्रक्शंस है और इंशाल्लाह इनको बड़ा हम जो है रेडिली और बड़ा इमीडिएट रिलीफ देंगे। साइलीन ने पुलिस और एलडी अफसरान के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। पांच मरले का प्लाट असी खरीदा है और मुजम्बल ने साढ़े प्लाट पे कब्जा किया है। एक साल हो गया असी जलील हो गए, साड़ी किस्से किस्म की कोई गाल नहीं सुनते अदालत वाले। कब्जा किया हुआ है जनाब थाना फैसल टाउन ने, 215 FIR काट के एलडीए के साथ मिलकर ये कब्जा दिया गया। एलडीए ने ये सारा कुछ कैंसिल कर दिया, फ्रॉड साबित हो गया, मगर हमें कब्जा नहीं मिल रहा। खुली कचहरी में एसडीपीओज और एसएचओज ने भी शिरकत की। कैमरामैन सलीम जानी के साथ हर सलान हैदर, लाहौर न्यूज।